दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की नाइटिंगेल लता मंगेशकर के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आप नहीं जानते। लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से लेके 1991 तक सबसे ज्यादा गाना गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। लता मंगेशकर को पहला ब्रेक गाने के लिए नहीं बल्कि एक नाटक में एक्टिंग करने के लिए मिला था। लता मंगेशकर ने सबसे पहले एक मराठी फिल्म कृति हासल के लिए गाना गाया था, लेकिन उस गाने को कभी भी रिलीज ही नहीं किया गया। लता मंगेशकर हमेशा गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले अपनी चप्पल उतारती थी और वो नंगे पांव अपने गाने रिकॉर्ड किया करती थी। लता दीदी महज एक दिन के लिए स्कूल गई थी। जब वो पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को लेकर स्कूल गई तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर निकाल दिया कि उनके भी स्कूल की फीस देनी होगी, जिसके बाद लता ने निश्चय किया कि वो कभी स्कूल ही नहीं जाएंगी। वर्ष 1962 में लता जब 32 साल की थी तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, लेकिन उन्हें ये किसने दिया था इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। लता मंगेशकर को खाना पकाना और फोटो खिंचवाना बहुत पसंद था। आज वो हमारे बीच नहीं रही, पर उनके गाए हुए संगीत हमारे साथ हजारों साल तक रहेंगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।